रूस यूक्रेन युद्ध के बीच काला सागर में रूस के सुखोई 27 विमान के अमेरिका के रीपर ड्रोन से टकराने की खबरें सामने आ रही हैं। इस घटना को लेकर अमेरिका और रूस ने अपने बयान दिए हैं। दोनों ही देशों ने इस घटना को लेकर कड़ा विरोध जताया है। सवाल है कि क्या सच में रूस ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका ने दावा किया ये घटना उस दौरान हुई जब रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन काला सागर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। अमेरिका ने कहा कि रूसी सुखोई 27 फाइटर जेट का अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन से टकराव हुआ, जिसके कारण अमेरिकी ड्रोन सीधे काला सागर में जाकर गिर गई। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पेंटागन के एक प्रवक्ता ने संभावना जताई है कि रक्षा विभाग अंततः टकराव के वीडियो को सार्वजनिक कर सकता है। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि अभी तक गिरे हुए ड्रोन को बरामद नहीं किया गया है, उसे ढूंढा जा रहा है ताकि वह गलत हाथों में न लगे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा कि दो रूसी सुखोई 27 विमानों ने अमेरिकी वायुसेना के खुफिया निगरानी और टोही मानव रहित MQ-9 ड्रोन का लापरवाह और अव्यवसायिक तरीके से पीछा किया, जो काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ रहा था। उन्होंने कहा कि टक्कर से पहले कई बार सुखोई 27 जेट MQ-9 के सामने से उड़ा। ये घटना सुरक्षित और अव्यवसायिक होने के अलावा क्षमता की कमी को प्रदर्शित करती है। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसका लड़ाकू विमान अमेरिकी ड्रोन से नहीं टकराया, बल्कि ड्रोन पहले ही काला सागर में गिर गया। रूस ने दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य ड्रोन रूसी सीमा पर तेजी से मंडरा रहा था और इस कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके लड़ाकू विमान ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी एयरफोर्स के ड्रोन को नीचे उतरने पर मजबूर किया। रूसी जेट और अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन के आमने सामने आ जाने के बाद ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि रूसी जेट ने अमेरिकी ड्रोन का प्रोपेलर को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब अमेरिकी रीपर ड्रोन और रूस के दो फाइटर जेट सुखोई 27 काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में चक्कर लगा रहे थे।